बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप सबके साथ क्रिस्पी फ़िश की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मुझे सबसे पहले मैंने आधा किलो मछली ली है और मछली को 2 घंटे पहले मैंने अजवाइन 2 चम्मच और 1 चम्मच नमक लगा के रख दिया था और अब मैंने उसको धोकर साफ़ करके रख दिए हैं। और अब मैं इसमें जो मसाले मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले मैंने जो मछली के मसाले लगाने हैं उनमें सबसे पहले मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें अब 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है वो डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच नींबू का रस है वो डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब मैं ये सारा जो मसाला मैंने बनाया है सारी मछली को हाथों से बाकी मसाले डालकर मैदा और कॉर्नफ्लोर वगैरह इसको फ्राई करेंगे। अब इसे मैरिनेट करके रख देती हूँ तकरीबन 2 घंटों के लिए। और अब मैंने लिया है 1 कप मैदा, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/4 टेबल स्पून ज़ीरा, 1/4 टेबल स्पून मैंने ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून मैंने नमक और 1/2 टीस्पून मैंने रेड मिर्च ली है। और अब हम सब चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसको अंडे में एक दफ़ा डिप करूँगी अच्छे से। ये हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है फ्राइंग करने के लिए। अब हम इसे डीप फ्राई करते हैं। मैंने फ्लेम फ्राई करते वक्त स्लो रखी हुई है, ज़्यादा हाई नहीं है, ताकि ये अंदर तक हमारी मछली फ्राई हो जाए। तो अब मैं सिर्फ दूसरी साइड पर टर्न कर रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई, बहुत स्लो फ्लेम पे मैंने इसे फ्राई कर रही हूँ। अगर हम आग को तेज़ पे फ्राई करेंगे मछली को तो ये फौरन पक जाएगी ऊपर से, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसलिए स्लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसे निकालती हूँ और आप सबके साथ सर्विंग में इसे शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके।